कुछ हेल्दी खाना है और समय भी नहीं है तो घर की रसोई की ये रेसिपी आपके लिए ही है। ये रागी डोसा जिसे बनाने में लगता है सिर्फ कुछ मिनट। तो चलिए जानते हैं कैसे बनता है रागी डोसा। तो रागी डोसा बनाने के लिए पहले आपको लेना पड़ेगा डोसा बनाने वाला घोल, जिसमें उड़द दाल और चावल को रात भर भिगोकर रखते हैं और उसके बाद उसे पीस लेते हैं। अगर आप 2 कटोरी डोसा बैटर ले रहे हैं तो उसमें 1 कटोरी रागी आटा मिला दीजिए। रागी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और बस रागी को डोसा वाले बैटर में मिला दो और घोल दो और बना दो। अब तवा को गर्म होने के लिए रख दीजिए और जब गर्म हो जाए तो पानी के कुछ बूंदे छिड़क कर डोसा बैटर डालकर फैला लीजिए। अच्छे से फैलाइएगा, जैसे वो गोल गोल डोसे नहीं बनते वैसे, उसे ऐसे ही फैला दीजिए और उसके बाद पलट दीजिए। दोनों तरफ से पकने के बाद उसे निकाल दीजिए। इसे बनाना बहुत आसान है ना। इसको ना किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं आप, ना इसे वो मसाले वाले आलू के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। बट आज मैं यहाँ पुदीना धनिया मिर्ची की चटनी के साथ इसे परोस रही हूँ। सुबह दफ्तर जाने में लेट हो और हेल्दी खाना बनाना हो तो सबसे अच्छी डिश है रागी डोसा। फटाक से जल्दी से बना दो, उसके साथ चटनी हो अचार हो खा दो, ऑफिस के लिए निकल जाओ फिर।